अंबानी परिवार अपनी छोटी बहू राधिका मर्चेंट का अपने घर में स्वागत करने के लिए दिन गिन रहा है। यह मार्च 2024 में था जब मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के लिए 3 दिन का प्री वेडिंग फंक्शन रखा था। बता दें कि यह जोड़ी कथित तौर पर जुलाई 2024 में शादी के बंधन में बंधेगी। हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने मुंबई में एक संगीत कार्यक्रम में अपना शानदार प्रदर्शन दिया, जिसमें अनंत, ईशा, श्लोका और आनंद पीरामल शामिल हुए थे। दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट खत्म होने के तुरंत बाद अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और श्लोका मेहता बोनी कपूर के साथ जाह्नवी कपूर के घर पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। उस दिन अनंत बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि उन्होंने आसमानी नीले रंग की रेशमी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर जानवरों के प्रिंट बने हुए थे। दूसरी ओर ईशा आड़ू रंग की रेशमी आउटफिट में सबसे सुंदर लग रही थी, जिसकी पूरी आस्तीन बॉर्डर पर पंखों से सजी हुई थी। दूसरी ओर श्लोका मेहता लाल रंग के प्रिंटेड आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यह 8 अप्रैल 2024 को था जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को दुबई में देखा गया था, जब वे एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर महेश वर्मा से मिले थे। बता दें कि यह जोड़ी जुलाई 2024 में शादी के बंधन में बंधेगी और अंबानी इस शादी में 1,000 करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च करेंगे। हालांकि दुबई में दिन के लिए राधिका ने एक कैजुअल आउटफिट पहना था, जिसमें एक बेज और काली धारीदार डायर टी शर्ट और सफेद पैंट शामिल थी। ग्रे स्नीकर्स की एक जोड़ी ने उनके लुक में 4 चांद लगा दिए। वहीं अनंत हरे रंग की शर्ट और नीली पैंट में है हैंडसम लग रहे थे। यह मार्च 2024 को था जब मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए 3 दिन का फंक्शन रखा था, जिसमें फिल्म, संगीत और तकनीकी इंडस्ट्री के कई नमाई लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम की झलकियों ने लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि यह सब कुछ शाही और स्वप्निल था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने 120 मिलियन पाउंड यानी करीब 1,259 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च की थी।